प्रतिशत आरक्षण करेंगे। अब हमारी बहनों को जब मौका मिलता है आगे निकलने का, वो आगे निकलती हैं, साबित करती हैं। तो हम अपने, चाहे पंचायती राज हो, चाहे नगर पालिकाएं हो, सब जगह महिलाओं को हम 50% आरक्षण देंगे। हमारी विधवा महिलाओं को, विकलांग महिलाओं को, तलाकशुदा महिलाओं को, अविवाहित महिलाओं को, सबको, किन्नर समाज को हम हर महीना 5100 रुपया देंगे पेंशन। और महिलाओं के लिए पेंशन हम 55 साल से शुरू करेंगे, ना कि 60 साल। और साथियों, पेंशन की बात जो दूसरी भी है, सारे देख रहे हैं, बुजुर्गों ने सोचा कि हमारे को तो भूल गए ना, आपको क्यों भूलेंगे। इन्होंने कहा 2000 देंगे, वो भी 5 साल घसीट घसीट के दिए, और वो भी पूरी नहीं देते, हमेशा कई कई महीने निकाल देते हैं। तो सबकी हम पेंशन 5100 रुपया करेंगे अब आने वाले, और आप देखना पूरा सही टाइम पे आपको पेंशन मिला करेगी। और हमारी जो गरीब महिलाएं हैं, उनको बहुत दिक्कत आती है, उनको हम हर महीना चूल्हा खर्च देंगे, चूल्हा खर्च 2000 रुपया। और जो हमारी गर्भवती बहनें हैं, उनको तीसरे महीने से बच्चा पैदा होने तक हर महीना 3500 रुपया देंगे। और जब बच्चा पैदा हो जाएगा, बच्चा पैदा होने के बाद 5 साल तक, ताकि बच्चों का और माता का सही से पालन पोषण ठीक से हो सके, 5 साल का बच्चा होने तक हम 5000 रुपया उनको देंगे हर महीना, हर महीना। इसके अलावा बहनें भी इधर उधर जाएं तो हरियाणा रोडवेज में बुजुर्ग भी और हमारी बहनें सब फ्री में ट्रैवल करेंगे हरियाणा रोडवेज। साथियों, हमारा दलित और पिछड़ा वर्ग सबसे ज्यादा जिनको जरूरत है, इन्होंने तो घोटाले किए बच्चों के वजीफों के नाम पे। हम आपसे वायदा करते हैं कि 1 से 10 तक छात्रों के लिए हम 12000 रुपया प्रति साल हर साल देंगे 10 तक, और 11वीं 12वीं में 15000 रुपया हर महीना देंगे वजीफा, ताकि बच्चे आगे पढ़ें, कोचिंग सेंटर बनेंगे सबके लिए, गरीबों के लिए। इसके अलावा 5 साल में मुझे नहीं लगता कोई प्लॉट मिला है किसी गरीब को, तो हम प्लॉट भी देंगे। और उसके अलावा घर बनाने के लिए हम 1.5 लाख रुपया देंगे, और मरम्मत करने के लिए 50000 रुपया देंगे, और SC BC का जो बैकलॉग है उसको पूरा करेंगे। और साथियों, BC के हमारे भाई हैं, उनके लिए हम क्लास 1 और क्लास 2 में भी आरक्षण करेंगे, जो कि अब तक नहीं था, क्लास 1 और 2 में भी करेंगे। और साथियों, रही बात क्रीमी लेयर की, क्रीमी लेयर अब 6 लाख में तो कोई बात बनती नहीं, हम 8 लाख तक उसको बढ़ाएंगे, ताकि सभी को फायदा मिल सके जिनको जरूरत है। और इसके अलावा ये 8 लाख में वो होगा, ये नहीं है कि भाई खेती की वो कमाई निकाल दी, वो भी ऐड कर दी, रोर कर दिया और बढ़ा दिया, ऐसे नहीं होगा। इंदिरा सानी केस के मुताबिक जो है वो सब हम उसको ध्यान में रखते हुए क्रीमी लेयर बढ़ाएंगे 8 लाख रुपए। और साथियों, नौजवानों के ऊपर और किसानों के ऊपर तो डबल मार पड़ रही है आजकल, जो थोड़े दिन के लिए रोकी गई है। ये जो नया मोटर व्हीकल कानून बनाया, ना तो कोई ट्रैक्टर चला सकता, ना कोई मोटरसाइकिल चला सकता। अब मोटरसाइकिल की कीमत तो होगी कुछ हजार, चलो 10000 लगा लो, और आपका चलान हो जाएगा 17000। तो अब देख लो क्या रखोगे, घर में रखोगे मोटरसाइकिल, थाने में रखोगे। और अब थोड़े दिन के लिए रोक रखा है, इंतजार कर लियो, गलती ना कर देना, वरना इलेक्शन के बाद फिर शुरू करेंगे ये। तो साथियों, रोजगार की बात है, हमारे नौजवानों को हमने रोजगार देना है। हमने ये देखना है कि जिसकी जो योग्यता है उसके मुताबिक, ये नहीं कि ग्रुप डी में भी आप MA को भर दो,
योग्यता के अनुसार हर परिवार में हम कम से कम एक नौकरी सुनिश्चित जरूर करेंगे योग्यता के अनुसार। और भाई जवानों एक बात और है, जो एमए बीए कर लेते हैं फिर भाई घर में बड़ी दिक्कत हो जाती है, माँ बाप सोचते हैं कि नौकरी क्यों नहीं कर रहा, और बच्चा सोचता है कि भाई नौकरी मिले तब तक मैं खर्चा कैसे उठाऊं, माँ बाप से मांगते हुए शर्म आती है। तो साथियों जब तक नौकरी नहीं मिलती तो हम बीए पास को 7,000 रुपया भत्ता हर महीना देंगे और पोस्ट ग्रेजुएट को हम 10,000 रुपया भत्ता हर महीना देंगे जब तक नौकरी नहीं मिल जाती। और इसके अलावा अब पीछे आपने देखा नौकरी निकाली 80 और हरियाणा के लोगों को मिली 2, 78 बाहर के लोगों को दे दी। तो भाई आगे आने वाले वक्त में हमने पूरा पूरा ध्यान रखना है, निजी संस्थान भी हैं वहां भी नौकरियां होती हैं, फैक्ट्रियां लगती हैं और बाहर के लोगों को आके वहां नौकरियां मिले और हमारे जवान बेचारे यूं ही फिर हैं। तो हम 75% अपने लोकल बच्चों को नौकरियां देंगे, 75%। तो इसके अलावा और बहुत सी बातें हैं, किसानों की बात भाई, किसान और मजदूर, किसान और गरीब आदमी दोनों का ध्यान रखना है हमने। हम दोनों के लिए कर्जे माफ करेंगे, किसानों के लिए भी और मजदूरों के गरीबों के लिए भी, उनके भी कर्जे माफ करने हमने एक साथ। और साथियों बिजली की बात कही गई, अब भाई हमारे समझ में तो ये आता है कि अब गरीब भी जो है उसको भी कूलर तो चाहिए, कम से कम घर में कूलर तो होना ही चाहिए। तो हम 300 तक यूनिट सबको फ्री में देंगे और 300 के बाद वो भी हजारों का बिल आ जाता है, 300 यूनिट के बाद जो ज्यादा भी खपत हो रही है उनका भी बिल हम आधा करेंगे, जितना आता है उसे आधा बिल हो जाएगा। और साथियों और बहुत सी बातें हैं किसानों के लिए भी सबके लिए भी, वक्त कम है ज्यादा मैं अब नहीं बोल पा रही हूं। तो शिक्षा के लिए भी हर वर्ग के लिए अगर आपका आपकी रुचि है, आपकी रुचि तो होगी कि भाई कांग्रेस क्या देगी, सरकार आप बनाओगे। अच्छा एक काम करो, मोबाइल किसके पास है हाथ में, जिसके पास मोबाइल है मोबाइल निकाल लो, अपने निकाल लो और ऑन करो, मैं बताती हूँ ठीक है, नंबर डालो, एक नंबर बता रही हूं मैं, नंबर डालो 93555 33 0 11, फिर बोलती हूं मैं 93555 33 0 11, ठीक है। जब आपका मन करे कि भाई कांग्रेस हमारे लिए क्या करेगी, इसमें घंटी बजा दियो, जो आप जानकारी लो, ये देश में पहली बार हुआ है और आपकी बहन ने करवाया है, पहली बार किसी भी पार्टी ने किया है, अपना घोषणा पत्र आपके हाथ में है, जो आपको लगे, ये नहीं है कि आज कह गेर कल मुकर गेर, कोई किताब किसी ने पढ़ी हो ना पढ़ी हो, ये किताब सबके पास तो जाननी मुश्किल है, पर इसका ये मतलब नहीं कि आपका अधिकार नहीं, आपका पूरा अधिकार है कि कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र की जानकारी आपको मिले। इस नंबर पे आप फोन करोगे, महिलाएं पूछेंगी, महिलाएं तो सबसे पहला महिलाओं का आएगा, उसके बाद और सबके बारे में जो हमने कहा है आपको अपने टेलीफोन से पता चल जाएगा। तो साथियों आप सबसे मेरा यही आग्रह है कि आने वाली 21 तारीख को इस भारतीय जुमला पार्टी से हरियाणा के लोगों को निजात दिलवाओ, बरवाला हलका, अपने सारे हलके जो हैं, उकलाना हलका, हर जगह हिसार आसपास के सारे हलकों में भाई एक एक में पूरा अपना चुनाव समझ के कांग्रेस के प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी को आपने जिताना है, एक एक को ध्यान रख लियो, ये नहीं कि यहां कहीं और वहां कहीं कुछ और, ना वोट डलेगा कांग्रेस पे,
हाथ के निशान का बटन दबेगा 21 तारीख को। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि चारों तरफ आपने फैल जाना है, अपना चुनाव समझना है। साथियों, आपको समझना पड़ेगा, मैं फिर आपसे कहती हूं, सियासत समझनी पड़ेगी, राजनीति समझो, राजनीति समझो। और 21 तारीख को अपना एक एक वोट, एक एक कीमती वोट, मेरी बहनें सुन रही हैं, और होगा भी कहना है एक एक कीमती वोट, हाथ के निशान वाला बटन दबाकर आप कांग्रेस को बनाइए। सरकार कांग्रेस की बन रही है, आप सोच लो, सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है, आपका हिस्सा होना चाहिए उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई भूपेंद्र को यहां से अपना नुमाइंदा।